स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम पुरस्कार एवं सम्मान से लगभग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय पत्रकार को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था। ये किस भारतीय पत्रकार को मिला है? तो ये मिला है रवीश कुमार को, जो कि काम करते हैं NDTV के लिए। NDTV इंडिया पे आप इनको देख सकते हैं। इनको मिला है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? मतलब कि अभी अभी जो 66वां फिल्म पुरस्कार हुआ था, इसमें बेस्ट हीरोइन का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है कृति सुरेश को। कृति सुरेश को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? कई सालों के बाद अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो ये मिला है इस बार अमिताभ बच्चन को। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, देखा जाए तो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और लाइफ टाइम अविच में मतलब काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, 4 विकल्प, तो आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे 2 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन है कि हाल ही में 2019 हरिवार सनम पुरस्कार किसने जीता है? आपको बताना है, और 2 सेकंड आपको हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम भी मिलेगा। तो ये जो अवार्ड है, ये दिया गया है इलैया राजा को। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? तो देखिए, हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी घोषणा नवंबर या अक्टूबर में ही की जाती है, लेकिन ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये 1901 से दिया जाना शुरू किया गया था। अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, हालांकि इससे पहले ये केवल 1978 तक केवल ये 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा गया था शांति के लिए, तो शांति के लिए मिला है अबी अहमद अली को। ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। अर्थशास्त्र में मिला है एक इंडियन व्यक्ति को, क्या आप उनका नाम कमेंट करके बता पाएंगे? वो भारतीय मूल के हैं और इकोनॉमिक्स में उनको मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? ये आपको बताना होगा कि बेस्ट एक्टर का किसको मिला है। ये मिला है आयुष्मान खुराना को, और इनकी एक मूवी है उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला, और मूवी थी अंधाधुंध। अंधाधुंध, और इसमें आयुष्मान खुराना, तब्बू, इन लोगों का रोल है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? पूछा गया है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, इसमें जो पुरुष वर्ग का खिताब था, ये मिला था एलियुद किपचो को। एलियुद किपचो को। अगला क्वेश्चन है कि 73वें स्वतंत्रता दिवस पर किसे 15 अगस्त को वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो इस बार जो 15 अगस्त मनाया गया है 2019 में, उसके लिए उसके 15 अगस्त के दिन वीर चक्र दिया गया अभिनंदन वर्धमान को, जो कि एयरफोर्स के पायलट हैं। और आपने देखा था कि जो पाकिस्तान का एक प्लेन आया था, उसका पीछा करते हुए ये पाकिस्तान में चले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का ताज किसे पहनाया गया? कहने का ये मतलब है कि मिस वर्ल्ड एशिया कौन बनी है 2019 के लिए? तो ये बनी है सुमन राव। सुमन राव को पहनाया गया है मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का ताज। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रपति रंग पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है? मतलब कि किस राज्य को दिया गया है राष्ट्रपति रंग पुरस्कार? तो ये मिला है गुजरात को, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो अभी हमने आपको बता दिया है, ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था अंधाधुंध को, और जिसके एक्टर हैं आयुष्मान खुराना।
अगला क्वेश्चन है कि 2019 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि आप अगर इन क्वेश्चनों को खुद हल करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप खुद ब खुद करेंट अफेयर में जाकर इसे टेस्ट के रूप में दे पाएंगे, या फिर वहीं से आप इसका पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है जोजी बीनी टुंजी के द्वारा। मिस यूनिवर्स है ये, मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया सब अलग अलग होता है, तो आपको थोड़ी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो इस बार मिस यूनिवर्स बनी है उनका नाम है जोजी बीनी टुंजी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के युवा कवि जिनका नाम है अनुज लगुन, इनको युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये हैं झारखंड से। झारखंड में अभी अभी चुनाव हुआ है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इससे पहले वहाँ पे रघुबर दास मुख्यमंत्री थे जो कि बीजेपी से थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 में महिला वर्ग का खिताब किसको मिला है? अभी आपने पुरुष वर्ग का देखा था, अब आपको महिला वर्ग का बताना है। तो महिला वर्ग का खिताब मिला है दलीला मोहम्मद को, दलीला मोहम्मद को। अगला क्वेश्चन है कि शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2019 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है ये शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है, और इस बार ये दिया गया है डेविड एटन बरो को, डेविड एटन बरो को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग ने अभी हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए 2019 का विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड जीता है? कहने का ये मतलब है कि किस राज्य को ये अवार्ड मिला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड 2019, तो ये मिला है राजस्थान को, जिसकी कैपिटल है जयपुर। यहाँ पर मौजूदा सीएम है अशोक गहलोत, और इनके एक डिप्टी सीएम भी है सचिन पायलट। राजस्थान पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिलेगा? देखिए अभी आपने 2019 के लिए देखा था डेविड एटनबरो को, लेकिन आपको बताना है 2020 के लिए, तो ये मिलेगा आर रामानुजम को, आर रामानुजम को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल। ये किस देश का अवार्ड है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी को कई अवार्ड दिए गए हैं और उससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख पाएँ तो ये जो अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू पोस्टल, ये दिया गया है रूस के द्वारा। रूस के जो इस समय राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले आप रूस की राजधानी कहाँ है कमेंट करके बताइएगा, रूस की राजधानी कहाँ है इसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्यास सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है? ब्यास सम्मान 2019 के लिए चुना गया है नासिरा शर्मा को, नासिरा शर्मा को मिलेगा ब्यास सम्मान 2019। अगला है कि किसे दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? मतलब कि ये दिव्यांग लोगों का सशक्तिकरण के लिए इनको अवार्ड मिला है, और ये मिला है निरंजन बेहरा को, निरंजन बेहरा को। तो अगला क्वेश्चन है कि 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए अगर आप 2020 में कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे 2019 का ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हर साल 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगले साल के सारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है पीटर हैंडके को, पीटर हैंडके को मिला है 2019 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल के नाम पे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान दिया है जिसका नाम है इज्जुद्दीन, ये किस देश का अवार्ड है? तो ये है मालदीव का,
मतलब कि मालदीव ने अपने यहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम से किसे सम्मानित किया गया है। यह एक अवार्ड है, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, तो ये इस बार दिया गया है के सिवन को। के सिवन है इसरो के हेड, इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, वैसे ही जैसे कि अमेरिका की है नासा। तो इसरो के जो हेड हैं के सिवन, इन्हीं को मिला है एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि पुष्किन पदक 2019 से किसको सम्मानित किया गया है। पुष्किन पदक 2019, तो ये मिला है मीता नारायण को। मीता नारायण को दिया गया है पुष्किन पदक 2019। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। अगला क्वेश्चन है कि मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड किसने जीता है। तो इस बार का जो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड था, ये मिला जोखा अल हर्ती को, जोखा अल हर्ती को। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को जापान के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित का सम्मान दिया गया है, और इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। कहने का मतलब ये है कि जापान का जो सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है दूसरे नंबर का, ये किसको दिया गया है। तो ये मिला है श्याम सरन को, श्याम सरन को दिया गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सासाकावा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये सासाकावा अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए काम किया। तो ये मिला है, इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा, पी के मिश्रा, इनको मिला है सासाकावा अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा सम्मान से सम्मानित किया है। मतलब ये जो अवार्ड है वहाँ का अवार्ड है, और आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, अवार्ड दे देगा और आपको बताना होगा वहाँ के देश का नाम। तो ये जो अवार्ड है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा, ये है बहरीन का, बहरीन का। अगला क्वेश्चन है कि 72वें कान फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्मकार की फिल्म ने अवार्ड जीता। 72वें कान फिल्म फेस्टिवल की बात की गई है, तो ये जो भारतीय हैं इनका नाम है अच्युतानंद द्विवेदी, अच्युतानंद द्विवेदी, इनकी फिल्म ने 72वें कान फिल्म समारोह में अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसको चुना गया। जो बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, इस बार ये 28वें नंबर का था, और इस बार ये पुरस्कार मिला है मनीषा कुलश्रेष्ठ को, मनीषा कुलश्रेष्ठ को बिहारी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड मिल रहा है, आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। तो दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अवार्ड मिला है इस बार सलीम खान को, सलीम खान को मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को जायद मेडल दिया है। जायद मेडल, तो जायद मेडल दिया गया है यूएई के द्वारा, यूएई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में किसे बेस्ट महिला कलाकार का अवार्ड मिला है। तो ये पूछा गया है 64वें, आप ध्यान दीजिएगा, 66वें इस बार हुआ था, लेकिन उससे पहले जो 64वां हुआ उसके बारे में पूछा गया है फिल्म फेयर में। तो फिल्म फेयर में जो मिला था बेस्ट महिला कलाकार का, इनका नाम था आलिया भट्ट, फिल्म राजी के लिए मिला था। राजी में पाकिस्तान और इंडिया की एक कहानी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसको प्रदान किया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड इस बार मिला है राणा दास गुप्ता को, राणा दास गुप्ता को। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो इनकी रचना थी गीतांजलि, उसी पर सबसे पहली बार इंडिया में नोबल मिला था 1913 में साहित्य के लिए। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 के लिए पुलित्जर प्राइज किसको मिला है। तो ये जो पुलित्जर प्राइज मिला है, ये मिला है अराता इसोजाकी को, अराता इसोजाकी को। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रोड्यूसर की जो फिल्म है उसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, इसको अवार्ड दिया गया है ऑस्कर अवार्ड। कहने का मतलब ये है कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को ऑस्कर अवार्ड मिला है 2019 के लिए। आपको बताना है कि इसके प्रोड्यूसर कौन है। तो इसके जो प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है गुनीत मोगा।
तो कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म में पीरियड्स के बारे में बताया गया है, जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है उसको लेकर समाज में क्या भ्रांतियां हैं उसके बारे में दिखाया गया है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के एक जिले पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में किसको बेस्ट पुरुष कलाकार का अवार्ड मिला? पुरुष कलाकार का अवार्ड मिला था रणबीर कपूर को, और इसी में देखा आपने जो महिला कलाकार के लिए मिला था वो आलिया भट्ट को मिला। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी को दक्षिण कोरिया में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोदी जी को जो दक्षिण कोरिया में पुरस्कार मिला है ये है सियोल शांति पुरस्कार। मोदी नॉमिक्स के लिए ये दिया गया सियोल शांति पुरस्कार। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की जगह पर आप नॉर्थ कोरिया मत समझ लीजिएगा, ये तानाशाह वाला देश है। अगला क्वेश्चन है कि 91वें एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को मिला? यहाँ पे एकेडमी अवार्ड्स की बात की जा रही है ऑस्कर के लिए, तो ये मिला ग्रीन बुक को, ग्रीन बुक को। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के किस जाबांज को मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया? ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया गया था 2019 में, तो ये दिया गया था नायक नजीर अहमद वानी को, यानी कि शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी को दिया गया था अशोक चक्र। वीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये सैनिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि 27वें सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो जो 27वां सरस्वती सम्मान मिला है ये मिला है सितासु यशा चंद्र को, सितासु यशा चंद्र को। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका के साथ किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और ये मिला था प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।